we have to cover. So the topics are no code Android, and under that we learn these three topics. Then we learn the Kotlin programming language. Moving on, I would like to welcome Shubham Bhaiya, as you have already known him in the last session. We are overwhelmed, Bhaiya, to have you on the session. He's currently pursuing his BTech final year from BIT Misra, as we all know that. And he's an upcoming SDE at the Walmart and an ex-intern at Axis Bank as well as Incredo. So over to you, Bhaiya. हेलो 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 एवरीवन, एम आई ऑडिबल? या भैया, यस यस यू आर, या भाई ऐसा ओके. सो एज होस्ट टोल्ड यू विल गोना लर्न अबाउट नो कोड एंड्रॉइड एंड कोटलिन, बेसिक्स ऑफ कोटलिन. सो आई एम गिविंग यू चॉइस, विच एवर टॉपिक यू वांट टू लर्न, जस्ट कमेंट. टॉप 5 कॉमेंट्स विल कंसिडर. जो भी लोग 5 जो पहले बोलेंगे उसका सुनूंगा. लाइक एंड नो, लेट मी टेल यू फर्स्ट, नो कोड एंड्रॉयड इज बेसिकली अबाउट एनिमेशंस इन एंड्रॉयड स्टूडियो. विल क्रिएट समथिंग इन एंड्रॉयड स्टूडियो एंड अबाउट विल लर्न अबाउट लॉटे फाइल्स एंड ऑल्सो बेसिक्स. सो विच टॉपिक यू वॉन्ट टू लर्न? ओके, टॉप 5 कॉमेंट्स ऑनली कंसिडर. सो टॉपिक 1 कोटलिन कोटलिन कोटलिन. सो अकॉर्डिंग टू द वेट, सो विल लर्न अबाउट कोटलिन. एज आई टोल्ड यू आई विल कंसिडर. इवन आई वॉन्ट टू टीच यू द टॉपिक 1, बट ओके नो प्रॉब्लम. So let me share my screen. Okay, so I guess it is visible. Yes, they are visible. Yes, Yes. sir. Yes, sir. So, as earlier I guided you कि दैट कोटलिन के टैब पे जाओ जहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड किया था, और एल्स यू कैन यूज दिस यूआरएल. आई सेंड दिस इन कमेंट सेक्शन. सो गो टू दिस यूआरएल. ओके एंड स्क्रॉल डाउन. Select learning Android and Kotlin from scratch. From here, learn this Kotlin language. So today, the first topic we'll cover is learn the Kotlin program. We'll cover the basic Kotlin concepts. तो मैं assume कर रहा हूँ कि already आप लोग को थोड़ा बहुत basics किसी और language का होगा, like idea होगा, either C++, C और Java, because I can relate with these languages. To Kotlin. So the first basic thing, okay, let me open Kotlin compiler. Excuse me, sorry भैया to interrupt. Okay. If anyone has any doubt or queries, you can write it in chat box. भैया will address that. Yeah, thank you भैया. So the first basic thing we'll learn about Kotlin is how to print something in a language. This is the most basic thing. So we'll cover later like how to declare a function or functions and other things. But for initially, just consider कि जैसे C++ किया होगा तो उसमें main function define करना is compulsory. Because जब कंपाइल होता है प्रोग्राम तो फर्स्ट वो मेन फंक्शन को ही ढूंढता है एंड देन फिर वो लेटर ऑन एग्जीक्यूट होता है आगे प्रोग्राम. सो द सिमिलर केसेस इन कोटलिन. सो टू प्रिंट समथिंग इन कोटलिन वी हैव टू थिंग्स. सो द फर्स्ट थिंग इज वी कैन यूज सिंपल प्रिंट टू प्रिंट समथिंग.
And the next is println. So अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा एक सेकेंड, इसको थोड़ा चेंज करते हैं. तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर मान लो अपने को कोई नई एक ही लाइन में एक ही सेंटेंस प्रिंट करना है, लाइक आइदर वी कैन यूज हियर स्लैश एन टू प्रिंट नेक्स्ट लाइन, बट अगर मान लो कि एक ही लाइन में एक स्टेटमेंट कुछ प्रिंट करना है तो वी विल यूज प्रिंट ln फंक्शन. एंड अब जैसे आगे कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप अगर प्रिंट करते जाना है तो वी विल यूज प्रिंट. अब प्रिंट फंक्शन में ऑटोमेटिकली एक लाइन नहीं आएगी, लाइक एंटर ऑटोमेटिकली एंटर नहीं होता. प्रिंट ln रेफर्स टू प्रिंट इन अ लाइन, लाइक बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं. तो अभी मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो ये होगा. देखो तो हेलो वर्ल्ड जो है इन दोनों का हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में प्रिंट हुआ, एंड देन ये हेलो वर्ल्ड इसका प्रिंट हुआ है. ओके तो टू बी ओके सो अब थोड़ा क्लियर होगा. या सो अभी प्रिंट एलिन यूज किया तो एक लाइन पे सिंपल एक लाइन पे इसके अंदर जो सेंटेंस होगा वही प्रिंट होगा. एंड अगर ये यूज करेंगे प्रिंट तो एक बार में मतलब एक लाइन में अपन चाहे जितने कैरेक्टर्स ऐसे यूज कर सकते हैं. सो अभी फॉर एग्जांपल और अंडरस्टैंड करना है इजीली तो या सो यू कैन सी दैट. सो या सो बेसिकली ये देख लो, एक ही साथ में प्रिंट होगा विदाउट एनी स्पेस एंड एनीथिंग. सो सिंपल प्रिंट का ये यूज होता है, एंड प्रिंट एलन का नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना हो, एक लाइन में एक सेंटेंस प्रिंट करना हो तो वील यूज प्रिंट एलन. इसमें जो सेंटेंस डालेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस होगा, लाइक एक लाइन का आएगा. वॉट इज जस्ट वेट. सो ओके सो ऐसे कोटलिन में कोई भी चीज प्रिंट करनी हो तो ऐसे प्रिंट करेंगे अपन लोग. एंड उसके बाद में नेक्स्ट बेसिक थिंग इज हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन कोटलिन. तो देर आर टू कीवर्ड्स फ्रॉम विच वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल. वन इज वेल कीवर्ड एंड अनदर इज वेर. सो द डिफरेंस इन वेल इज कि अगर एक बार वेल में कोई चीज अपन ने डाल दी, जैसे वेल एक्स इज इक्वल्स टू 3, तो अपन उसको वापस चेंज नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर. लाइक अगर आप आगे जैसे चेंज करना चाहते हो उसको तो वो चेंज नहीं होगा वेल में डाली हुई चीज. एंड वेर में अगर अपन लेट्स से वेर एक्स इज इक्वल्स टू 3, तो अब इफ इन फ्यूचर लाइक वी विल वांट कि एक्स को अपन 3 से और इंक्रीमेंट करें या फिर एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 3 करते हैं, तो ये चीज पॉसिबल है, देन एक्स 6 हो जाएगा. सो लेट्स सी हियर. एंड ऑल्सो ओके सो वेर एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वेर एक्स इज इक्वल टू 3 वेर एक्स प्लस इज इक्वल टू 3 एंड प्रिंट एक्स. तो पहले वेर को चेंज करते हैं एंड देन फिर वेल को चेंज करने का ट्राई करें. अच्छा ओके इसको वाई कर देते हैं. ओके सो अब नाउ अकॉर्डिंग एज आई टोल्ड यू कि एक्स जो हो जाए 6 हो जाएगा. तो लेट्स सी, तो एक्स 6 हो गया. एंड अगर अपन अभी वाई को चेंज करने का ट्राई करेंगे तो विल गेट एन एरर कि चेंज नहीं हो सकती ये वैल्यू. सो वेल कैन नॉट बी रीअसाइन. तो एक बार जो असाइन कर दिया वेल में तो वो चीज कॉन्स्टेंट रहेगी. तो अब इसका यूज क्या हो सकता है कि जैसे मान लो अपन यूज करते हैं एनम्स इन सी प्लस प्लस या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड, तो इट इज सिमिलर टू दैट कीवर्ड्स इन अदर लैंग्वेजेस. तो अभी इसका मेन यूज क्या हो सकता है कि जैसे मान लो अपन एक की डिफाइन करना चाहते हैं अपने एंड्रॉयड में, जैसे कोई स्ट्रिंग हो गई कि हाँ लेट से कोई जो की स्ट्रिंग हो गई उसको अपन डिफाइन कर देते हैं कुछ भी, एंड वी वॉन्ट कि उस कोड में अपन को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट स्ट्रिंग एवरी टाइम विल डिफाइन अ कीवर्ड वेरिएबल विथ दैट
string, and after that we'll use that variable. So this is the use of where elsewhere. And ab isme ki, like ab value agar sochte ki ab string define kaise karni hai, to basically क्या होता है कि अगर आपको मान लो लेट्स से इसको इनडिफाइन करना, ऑटोमेटिकली अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी इनिशियलाइज करोगे तो वो कोटलिन ऑटोमेटिकली फेच करेगी. लाइक अगर मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप किया हूँ तो कोटलिन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कि हाँ ये इंटीजर है. एंड इफ इन लेट्स से कोई स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो भी लाइक कोटलिन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ ये स्ट्रिंग है. बट ये चीज ऑलरेडी तब होगी जब अपन वेरिएबल जैसे डिफाइन किया है एंड देन उसके जस्ट बाद में उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो चीज पॉसिबल है. बट इट इज नॉट पॉसिबल विद दैट. सो यू कैन सी यहाँ पे एरर आ गया कि अपन ने इसकी टाइप डिफाइन नहीं करी. तो किसी भी वेरिएबल को आगे यूज करना है इन फ्यूचर एंड इनिशियली उसको सिंपल डिफाइन करना है, तो वी नीड टू डिफाइन द टाइप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ दैट वेरिएबल. सो अभी इसको यूज करना है तो ये होगा. लाइक अब कोटलिन में देते कैसे हैं टाइप आगे, तो एक्स को कॉलन यूज करना है एंड देन डेटा टाइप. डेटा टाइप जो भी है आइदर स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, डबल और शॉर्ट और एनीथिंग. विल सी व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन कोटलिन. सो ये चीज हो गई तो अभी ये चीज चलेगा. यस. सो प्रिंट हो गया हमारे वेरिएबल का नेम. तो ऐसे डिफाइन होता है एक वेरिएबल विथ डेटा टाइप. सो द डेटा टाइप्स इन कोटलिन आर बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड स्ट्रिंग इज ऑल्सो एंड इंट. सो वी कैन यूज दीज डेटा टाइप्स टू डिफाइन अ वेरिएबल. एंड द नेक्स्ट थिंग इज टाइप इन्फरेंस, जो अभी मैं बोला था आपको कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि क्या टाइप है. अभी जैसे अपन ने वो किया था विदाउट डिफाइनिंग द डेटा टाइप, यहाँ पे अपन ने स्ट्रिंग किया था. सो जो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ ये स्ट्रिंग है एंड देन फिर इस वेरिएबल को एक्स से यूज, लाइक अब इसके बाद में इस एक्स पे अपन स्ट्रिंग के मेथड्स यूज कर पाएंगे. तो इस पे इंटीजर का कोई मेथड यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि कोटलिन ने ऑटोमेटिकली इसको एक्स को स्ट्रिंग डेटा टाइप दे दिया. तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एक लैंग्वेज नेम डाला है कोटलिन एंड देन फिर इसको अपर केस किया है तो ये चल जाएगा. बट आईएनसी इज यूज इन इंटीजर टाइप. सो अगर कोई इंटीजर होता तो वी कैन यूज दैट फंक्शन. तो अभी ये अगर कंपाइल करने का ट्राई करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर दे देगा अपने को. तो ये होता है टाइप इन्फरेंस. तो बेसिकली मतलब एक ओवरव्यू दे रहा हूँ टाइप इन्फरेंस का. एंड ऑल्सो द थिंग टू नोट हियर इज नोट दैट कोटलिन इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस. तो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल लाइक टाइप होगा किसी वेरिएबल का तो वो कंपाइल टाइम पे ही हो जाएगा. तो अभी जैसे मान लो अभी इसको अपने स्ट्रिंग दे दिया है एक बार, तो उसको बाद में इंटीजर नहीं दे सकते, अपने कोड के अंदर इंटीजर नहीं दे पाओगे. तो एक बार जो दे दिया वो फिक्स रहेगा. सो दिस इज अबाउट टाइप इन्फरेंस. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नल सेफ्टी. तो नल सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड जब एंड्रॉइड एप्स बनाओगे तो इसका बहुत यूज आता है एंड गलतियां भी बहुत होती है. तो जनरली C++ एंड दूसरी लैंग्वेजेस जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, C++ हो गया, इन सब में क्या अपन किसी वेरिएबल को एक नल वैल्यू दे सकते हैं. बट इन कोटलिन वी कैन डायरेक्टली असाइन अ वेरिएबल टू नल. तो अगर अपने को असाइन करना है तो वी नीड टू यूज अ क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ डेटा टाइप. सो ऐसे डिक्लेयर करोगे तो ही नल उसको असाइन कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे अपन डायरेक्टली नल डिक्लेयर नहीं कर सकते. ये चीज याद रखना क्योंकि अभी जैसे सिंपल से एग्जाम्पल दू तो क्या होता है, अपन अभी टू डू लिस्ट बनाते तो उसमें मान लो कि एक मेन जो हो गया टाइटल एंड उसके टास्क क्या है. तो अभी की किसी ने टाइटल डाल दिया एंड टास्क एट प्रेजेंट एम्प्टी छोड़ दिया तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नल. एंड अगर आपने अपने कोड में डिफाइन नहीं हो किया होगा कि इसकी वैल्यू नल हो सकती है तो वो एरर देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन. तो लेट्स सी हियर. ओके सो let's see what error we get.
So the first error is null cannot be a value of a non-null type string. तो इसको भी null assign करवाना है तो ये चल जाएगा, अभी चल गया. And the next thing is कि ये चीज ध्यान रखना, null safety बहुत छोटा सा concept है, but एक चीज याद रखना हमेशा कि when पहले से सोच के रखना कि what are the possible values of a variable, इसकी value null हो सकती है या नहीं हो सकती है. अगर null हो सकती है तो यूज अ कीवर्ड नल, अदरवाइज नॉट. और ये गलती होगी तभी मालूम पड़ेगा. कोई एक बड़ा सा एप्लीकेशन बनाओगे या कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन भी बनाओगे तो उस पर गलती होगी ही. तो जब एरर आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो अभी मैं वो भी बताऊंगा एंड्रॉइड स्टूडियो में एरर देखना कैसे लाइक. तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है जनरली, बहुत बहुत कॉमन है, एंड जावा में भी बहुत ज्यादा कॉमन है. तो ये हो गया null safety and conditional statements if else it is similar to C++. तो जब C++ में same syntax होता है वही same syntax Kotlin का भी है. तो what is the meaning of if else? I guess ज़्यादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है. Like मैं जिस speed से जा रहा हूँ I guess everyone is comfortable with the language at least, क्योंकि मैं उसी flow के साथ पढ़ा रहा हूँ. हाँ, सो मैं उसी फ्लो के साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि ये बेसिक्स पता है तो एक आइडिया रहता है, तो वी कैन फैमिलियर लैंग्वेज. ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है बाकी सारी लैंग्वेजेस के सेम, अगर आपने पाइथन की होगी तो उसमें वो एलिफ होता है, बट बाकी सब जगह एलसीफी होता है. सो द यूज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज कि अगर मान लो कुछ कंडीशन आती है कि हाँ अगर ऐसा होता है तो ये परफॉर्म करना है, अगर ये नहीं होगा ये होगा तो दूसरी कंडीशन. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सी प्लस प्लस में ऐसे होता है कि जैसे टर्नेटी ऑपरेटर, ऑपरेटर का क्या होगा, इधर आती है कंडीशन एंड देन फिर क्वेश्चन. अभी जैसे इसमें क्या है, फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए उसने तीन मेथड्स दे रखे हैं और लाइक कॉम्प्लिकेट है थोड़ा सा. तो वील ओनली लर्न बेसिक कि आप बेसिकली फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे बनाते हैं फंक्शंस कोटलिन के अंदर. बाकी जा रहे सारे जो है लाइक एनोनिमस फंक्शंस हो गए, हाई ऑर्डर फंक्शंस हो गए,
तो उनका यूज एक बार में बताना थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोग के लिए। तो इन फ्यूचर जैसे यूज करेंगे, कोई कोड में यूज करेंगे, तो उस टाइम ओपन उसको यूज करके बता सकता हूँ। उस टाइम यूज करके बताऊंगा तो समझ में भी ज्यादा अच्छे से आएगा। बट फॉर नाउ जस्ट कंसिडर हाउ बेसिकली एक बेसिक फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होता है कोटलैन में। तो लेट्स कॉपी दिस एंड ओके। तो बेसिकली क्या है, फन इज सिमिलर टू लाइक अपन जैसे सी प्लस में करते हैं इंट एंड देन फंक्शन का नेम। तो हियर इंट, उधर इंट क्या होता था, रिटर्न टाइप होता था। बट इधर फन इज फॉर फंक्शन का डिक्लेरेशन है कि हाँ ये फंक्शन है बेसिकली। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द रिटर्न टाइप, कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। एंड ऑल्सो द नेम ऑफ द फंक्शन, और अगर कुछ ले रहे हैं लाइक पैरामीटर्स आ रहे हैं फंक्शंस के अंदर, तो वो अपन इधर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो इट्स ऑल्सो अगर पाइथन किया है तो पाइथन में जैसे डेफ कीवर्ड होता है, और डेफ होता है, और जावा का याद नहीं है मेरे को, बट हाँ लाइक इट्स डेफ जैसे ही होता है। ये भी सेम केस ही है, डेफ जैसा ही है। तो डेफ एंड देन फिर फंक्शन का नेम एंड देन फिर रिटर्न टाइप। सो उसके बाद में हियर फंक्शन का डिक्लेरेशन, एंड देन फिर वी आर रिटर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट फंक्शन। सो दिस इज हाउ वील डिक्लेयर अ फंक्शन इन कोटलैन। एंड द नेक्स्ट थिंग इज यही, अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स है, पैरामीटर्स लेने हैं, तो ऐसा डिक्लेयर करना है। तो अभी जैसे सी प्लस प्लस में क्या होता था कि अपन कुछ फंक्शन बनाते थे, तो ऐसा होता था कि लाइक एंड लेट्स से टेम्प एंड देन फिर इंट एक्स, अगर कोई वेरिएबल ले रहे हैं तो। बट इन कोटलिन वो चीज आगे करनी रहेगी, अभी कोई काउंट ले रहे हैं एंड देन फिर उसका रिटर्न टाइप जैसे स्ट्रिंग है या फिर कुछ है, तो ऐसा। एंड मल्टीपल डिक्लेयर कर सकते हैं कॉमा सेपरेट करके। तो ऐसे डिक्लेरेशन होता है कोटलिन में फंक्शंस का, और आर्ग्यूमेंट्स ऐसे ले सकते हैं। बट बी श्योर कि पहले से ये चीज डेटा टाइप उसका डिफाइन करो। द नेक्स्ट थिंग इज सिंप्लीफाइंग फंक्शन डिक्लेरेशन। इट्स सिमिलर कि हाँ, अगर एक ही रिटर्न हो रहा है एक पर्टिकुलर, तो उसको ऐसे नेस्ट कर सकते हैं कि रिटर्न में के आगे लगा सकते हैं इफ एल्स, बेसिकली एक ही होगा। तो इफ एल्स में अगर ये चीज हो कैसे रही है, इस चीज को अगर समझना है तो पिछले वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं एक बार। क्या हो रहा था इधर भी, जैसे अपन वेरिएबल के साथ डिक्लेयर कर रहे थे, तो इफ एल्स क्या होता है बेसिकली, अगर ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है तो कंडीशनल स्टेटमेंट एक चीज रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे इधर से, तो ये चीज रिटर्न होगी। एंड देन अगर ये नहीं चला तो ये रिटर्न होगा। तो इन कोटलिन अगर कंडीशनल स्टेटमेंट भी है वो रिटर्न कर रहा है एक चीज, तो सेम चीज इधर हो रही है। अब इस चीज को क्या है कि जैसे ओके, सो यहाँ पे भी इफ एल्स है, अगर ये कंडीशन चलेगी तो ये चीज रिटर्न होगी, एंड देन फिर ओवरऑल फंक्शन से ये चीज रिटर्न हो जाएगी। एंड एल्स में जाएगा तो फिर ये चीज रिटर्न होगी एंड देन फिर ओवरऑल रिटर्न कर देगा। तो ये चीज सिंप्लीफाइंग है बेसिकली। अगर ज्यादा मतलब नंबर ऑफ लाइंस को कम करना है अपने कोड की, तो ऐसे यूज कर सकते हो। बट फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन द बेसिक डिक्लेरेशन, की बेसिकली डिक्लेयर कैसे करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ये चीज समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे डिक्लेरेशन हो रहा है, क्योंकि अपन लोग इस चीज को ज्यादा यूज करेंगे। मतलब पहले बेसिक बेसिक से जाओ, एंड उसके बाद में इन फ्यूचर ज्यादा कोड करते हैं तो फिर अपन ये चीज यूज कर सकते हैं। तो फिर ये चीजें यूज करेंगे, जैसे हाई ऑर्डर फंक्शंस हो गए, एनोनिमस फंक्शंस हो गए, तो ये चीजें तब काम आएगी। और फिर उसके बाद में एनोनिमस फंक्शन है, ये चीजें अभी मैं कवर नहीं कर रहा क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू फॉर मी टू टीच यू, एंड इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर यू टू टी अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो आई एम स्किपिंग दिस थिंग्स, बट अगर आप इन फ्यूचर कुछ देखना भी चाहते हो तो यू कैन रेफरेंस दिस पेज। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्लासेस। तो बेसिकली क्लासेस क्या होती है, क्लासेस होता है एक ब्लू प्रिंट किसी ऑब्जेक्ट का। अगर आप रियल लाइफ चीज में देखना चाहते हैं तो व्हीकल देखते हैं अपन, कोई भी जैसे कार ले लेते हैं, तो कार क्या होगा, एक ब्लू प्रिंट है। एंड अगर मैं इस क्लास को डिक्लेयर करूंगा, जैसे अभी ये क्या अपन ब्लू प्रिंट प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई एक कार है, कार के अंदर कितने टायर्स है,
और ये मतलब उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, कार के एट्रीब्यूट्स है कि हाँ कार के अंदर टायर है, कार के अंदर और भी मतलब इंजन है, तो वो सारी चीजें एट्रीब्यूट्स हो गए। एंड आफ्टर दैट अगर कुछ उसकी फंक्शनलिटी है कार की, जैसे कार की स्पीड क्या है ये बतानी है, तो अपन इसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक सिमिलर अभी नीचे होगा इसमें, तो इसमें फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर होगा, एंड देन अगर अपन इस ब्लूप्रिंट को डिफाइन करेंगे तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। सो दिस इज क्लासेस। तो अगर क्लासेस बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन से, एंड विल यूज क्लासेस लेटर, बट इनिशियली अकॉर्डिंगली कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आई गेस सब लोग या फर्स्ट या सेकेंड ईयर के होंगे, अगर सेकेंड ईयर है तो फिर भी क्लासेस पढ़ा होता है, बट अगर फर्स्ट ईयर है तो थोड़ा लेट आता है क्लासेस, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अभी के लिए क्लासेस को समझना है तो अगर किसी रियल लाइफ एंटिटी को अपने को डिफाइन करना है किसी लैंग्वेज में, तो वी कैन यूज क्लास, और वी कैन यूज ऑल्सो फंक्शन, बट फंक्शन में डिक्लेयर करना इज डिफिकल्ट, उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए क्लासेस रहती है। तो अब क्लासेस में सेम चीज है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जो क्लास अपन, ये चीज है, ये चीज ब्लू प्रिंट है किसी ऑब्जेक्ट का या किसी रियल लाइफ का, रियल लाइफ एंटिटी का ये ब्लू प्रिंट है, एंड देन अगर इस चीज को मैं डिफाइन करता हूँ ऐसे, तो ये होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे एक कार डिक्लेयर हो जाएगी, बट ये ब्लू प्रिंट है, उसका स्ट्रक्चर है, सिंपली स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी दो तरह के कीवर्ड होते हैं, अभी बाय डिफॉल्ट तो पब्लिक रहेगा, एंड अगर एनकैप्सुलेशन होता है, एनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या है कि किसी चीज को छुपाना बाकी चीजों से, जैसे अभी क्लास डिक्लेयर कर दी तो अपन इस चीज को बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास के, बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू कि ये चीज बाहर एक्सेस हो, तो अपन लोग इसको प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। तो अभी नीचे होगा एग्जाम्पल, एंड देन अगर क्लास में कोई पैरामीटर्स पास करने के, हाँ लाइक अभी जैसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं व्हीकल, तो व्हीकल क्या दो टायर का हो सकता है, तीन टायर का हो सकता है, चार टायर्स का हो सकता है, तो इनिशियली वी कैन पास कि हाँ भाई कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स है, तो मतलब कितने नंबर ऑफ टायर्स है, हियर एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा, तो ये यूज हो जाएगा लाइक पैरामीटर पास करने के लिए, एंड देन फिर अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ टायर्स वी कैन डिफाइन कि हाँ भाई चार टायर्स का है तो आइदर कार भी हो सकता है, टू टायर्स का है तो साइकिल, बाइसिकल, लाइक मोटरसाइकिल और ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो ये चीजें उधर काम है, लाइक एक छोटा सा समझने के लिए एग्जाम्पल ही है, तो उसको ऐसे देखना। और एनकैप्सुलेशन क्या होता है, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट सिमिलरली इसको अगर बेसिक मैनर में समझना है तो क्या है कि अगर किसी चीज को बाहर एक्सेस करने से रोकना है, या फिर अभी मान लो अपन इसमें डिफाइन किए कि हाँ भाई अपन जैसे कार डिफाइन की तो उसके चार ही चार टायर्स होंगे, तो लेट्स से अपन डिफाइन करते कि प्राइवेट वेल टायर्स इज इक्वल्स टू फोर, तो अब क्या होगा कि जो अभी जैसे अगर अपन प्राइवेट यूज नहीं करते तो बाहर से अपन नंबर ऑफ टायर्स चेंज कर सकते थे उसके, अब अपन नहीं चाहते कि कोई और इस चीज को चेंज करे, तो अपन यूज करेंगे प्राइवेट कीवर्ड। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट कोटलाइन। तो अभी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे तो तब और आगे पढ़ते जाएंगे, लाइक अभी लूप्स भी है इसमें, लूप्स भी है, तो लूप्स इज सिमिलर थिंग, लाइक C++ या पाइथन के सिमिलर है, तो वी कैन यूज दोस थिंग्स, बट फर्स्ट वी नीड टू कम टू कोड। लाइक आई प्रेफर कि बेसिकली किसी चीज को सीखना है तो उसको इम्प्लीमेंट करो, थ्योरिटिकल नॉलेज पढ़ तो लिया पूरा, बट मोस्ट ऑफ लाइक बहुत जनों को ये चीजें समझ नहीं आई होगी, तो बट ये चीज अपन जब यूज करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगी चीजें। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ कोटलिन, और अगर थोड़ा बहुत एडवांस और जाना है, थोड़ी बहुत और चीजें सीखनी है, तो कोटलिन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे भी जा सकते हो, उधर से भी चीजें सीख सकते हो। तो ये हो गया बेसिक थिंग कि हाँ, लेकिन बेसिक चीजों से अपन लोग आगे कुछ कर सकते हैं, कुछ छोटा छोटा बेसिक काम कर सकते हैं, एंड देन फिर कुछ एक अच्छा सा कुछ क्रिएट करेंगे। तो अभी एक बार मैं फर्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट टॉपिक था अपना नो कोड एंड्रॉइड, और अब नो कोड एंड्रॉइड से पहले लेट्स स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो फर्स्ट। एंड्रॉइड स्टूडियो के भी कुछ कुछ बेसिक्स बताने रह गए थे मेरे को,
ओके सो न्यू प्रोजेक्ट ही बनाते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो चलो अब मैं बता देता हूँ इन सब का यूज क्या होता है। अगर आपको कोई ऐप बनाना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन बेसिक टेम्पलेट अगर सेट करना है उसके लिए तो एंड्रॉइड स्टूडियो अपने को वो ऑप्शन देता है। तो लेट्स से बेसिक एक्टिविटी ये ऑप्शन का काम आ सकता है कि जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं अपन सब लोग, तो उसमें नीचे एक सिमिलर बटन रहता है सेलेक्ट कॉन्टेक्ट का, यूज करोगे तो आइडिया पड़ जाएगा। और एल्स इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट एन टू डू लिस्ट ऐप तो उसमें भी मान लो अपने को एक बेसिक देना है बटन जहाँ से लिस्ट का लाइक मतलब एक टू डू लिस्ट क्रिएट कर सके आइटम या फिर कोई कोई चीज क्रिएट कर सके। तो ये चीज अपन अगर करना चाहते हैं कि हाँ एक नीचे बटन आना चाहिए तो इसके लिए बेसिक एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे एंड देन बॉटम नेविगेशन की अगर अपने को नेविगेशन चाहिए फ्रॉम द बॉटम सो विल यूज बॉटम नेविगेशन। एंड एंटिटी कंपोज एक्टिविटी ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एंड एम्प्टी एक्टिविटीज की पूरा खाली रहेगा एंड उसमें अपने को कुछ अगर पूरा क्रिएट करना है फ्रॉम द वेरी बेसिक तो उसके लिए एम्प्टी एक्टिविटी चूज करना है। फुल स्क्रीन एक्टिविटी लेट्स से इसका एग्जांपल देता हूँ तो क्या होगा अब अपन कोई एक लेट्स से कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाते हैं एंड देन उस पर एक ऑप्शन रखते हैं कि यूजर अपनी फोटो पे क्लिक करेगा तो वो फोटो जूम हो जाती है। तो इन दैट केस वी कैन यूज दैट फुल स्क्रीन एक्टिविटी, जैसे ही उस फोटो पे डबल टैप हुआ या फिर उस फोटो पे क्लिक किया तो फुल स्क्रीन एक्टिविटी लॉन्च हो जानी चाहिए। तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस फुल स्क्रीन एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट थिंग इज की अगर गूगल एड्स डालने हैं तो उसमें ये चीज काम आ सकती है गूगल एडमॉब एड्स एक्टिविटी। और अगर कोई मैप क्रिएट करना है तो उसके लिए होता है मैप्स की एक्टिविटी, इसमें बेसिक मैप सेटअप किया आएगा एंड उसमें इसमें भी जाके देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा। बट इन शॉर्ट ऐसा है कि गूगल मैप्स एक्टिविटी क्रिएट करो एंड देन फिर गूगल मैप्स गूगल डेवलपर पे जाके एक की मिलती है तो जस्ट एम्बेड दैट की इन योर कोड एंड आफ्टर दैट यू कैन एक्सेस द गूगल मैप्स। और फिर उसके बाद में लॉग इन एक्टिविटी क्लियर बाय नेम एंड प्राइमरी डिटेल फ्लो, जैसे अगर कोई बनाना है जैसे सिमिलर एक यूजर इंफॉर्मेशन के लिए पेज बनाते कि जहाँ से यूजर अपनी इंफॉर्मेशन एडिट कर पाए तो वो चीज़ है ये। एंड नेविगेशन ड्रॉअर इट्स सिमिलर टू थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस आती है मोस्ट ऑफ द एप्स में, उसको क्लिक करने से एक ड्रॉअर खुलता है एंड वहाँ से बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि वी कैन नेविगेट टू होम टू अदर पेजेस, तो उसके लिए नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। एंड देन रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी की अगर आपकी एप्लीकेशन को डिफरेंट क्या लाइक मोबाइल डिवाइसेस पे चलाना है जिनकी हाइट एंड विड्थ अलग हो या पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अलग है तो उनके लिए रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। और इसके लिए ऑल्सो अपन रेस्पॉन्सिवनेस के लिए ऑल्सो डिफाइन कर सकते हैं अंदर कोड के अंदर से भी कि कैसा किस स्क्रीन पे कैसा दिखना चाहिए किस स्क्रीन पे कैसा दिखना चाहिए, बेसिकली ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं। एंड फिर प्राइमरी सेटिंग्स एक्टिविटी, सेटिंग्स एक्टिविटी की जैसे लेट्स एग्जांपल अपन एक फीचर देते हैं अपने ऐप के अंदर डार्क मोड और नॉट डार्क मोड, तो अपने को ये ऑप्शन डालना है तो एक सेटिंग्स का टैब आता है। और रियल लाइफ एग्जांपल जैसे फेसबुक का है सेटिंग्स का ऐप है सेटिंग्स का सॉरी एक टैब है स्पेशली, वहां से अपन कुछ फीचर्स को सेलेक्ट एंड अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वो चीज क्रिएट करनी है तो यू कैन यूज दिस एक्टिविटी। एंड स्क्रॉलेबल एक्टिविटी बेसिकली अगर कोई गैलरी बनानी है लेट्स से सिंपल की गैलरी बनानी जिसमें बहुत सारी फोटोज होगी तो वी वांट कि वो स्क्रॉल हो तो फॉर दैट वी यूज दैट स्क्रोलिंग एक्टिविटी। और टैब्ड एक्टिविटी अगेन व्हाट्सएप देखा होगा व्हाट्सएप में ऊपर स्टोरी का रहता है एंड देन चैट का रहता है एंड देन कॉल्स एंड अदर थिंग का एक टैब रहता है तो ये सिमिलर है लाइक ये चीज सेम है तो वैसा कुछ क्रिएट करना है तो वो चीज क्रिएट कर सकते हो। एंड नेटिव C++ का कुछ बनाना है तो यू कैन यूज दिस। एंड फ्रेगमेंट इज होल टोटल डिफरेंट थिंग तो इसका एक पूरा अपना कॉन्सेप्ट है तो वो चीज बाद में इन फ्यूचर जैसे इस कोर्स में एडवांस जाओगे थोड़ा सा तो वो चीज कवर होगी तो फॉर नाउ। और ये सारी एक्टिविटीज ऐसा नहीं है कि अभी खाली अभी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी एक्टिविटीज बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड फॉर नाउ विल क्रिएट एम्प्टी एक्टिविटी। एंड अदर ऑप्शन आर कि अगर किसी वॉच के लिए बनाना है ऐप या फिर वॉच फेस बनाना है तो यू कैन यूज दीज एक्टिविटीज। और एंड्रॉयड टीवी के लिए कोई ऐप बनाना है तो उसके लिए भी एक्टिविटीज है लाइक बेसिकली टैम्पलेट्स है ये।
तो अपन एम्प्टी एक्टिविटी चूज करेंगे फॉर नाउ एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेम दिस एप्लीकेशन माय ऐप एंड हियर पैकेज नेम इसकी ओके ये ऐसा कुछ नहीं है बट आपके एक पैकेज रहेगा पूरा एंड्रॉइड बिल्ट करता है उस पैकेज का नेम ये रहेगा com.example.myapp एंड उसकी लोकेशन रह गई किधर सेव होगा. लैंग्वेज वी कैन चूज जावा और कोटलिन बट विल यूज कोटलिन एंड मिनिमम SDK कि आपका जो ऐप है वो मिनिमम किस SDK पे चलना चाहिए लाइक किस चीज पे चलेगा. अभी जैसे अपन जो ये ऐप क्रिएट करेंगे तो वो लॉलीपॉप में चलेगा ऐप बट अगर अभी मैं ओरियो सेलेक्ट करता हूँ देन ये लॉलीपॉप में नहीं चलेगा या उससे छोटे वर्जन में नहीं चलेगा ये ऐप तो विल सेलेक्ट मिनिमम. ओके सो ये यू कैन सी योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ डिवाइसेस. बेसिकली ये वर्जन जो है ऑलमोस्ट 98% डिवाइसेस में अवेलेबल है एंड लेट्स क्लिक ऑन फिनिश. ओके विल क्लोज दिस. So as I told you in the last section की basically Android Studio सारे packages एक बार download करता है and then उनको आपके लिए configure करके एक फिर वो app usable रहता है. तो अभी वही process चल रहा है. तो अभी जैसे Gradle demo start हो गया and then अभी कुछ कुछ packages download होंगे and then app then we can use this app and hopefully last time जितना time ना ले. ओके सो इसके अलावा यू कैन यूज टर्मिनल फ्रॉम एंड्रॉयड स्टूडियो अगर कोई चीज रन करनी है या फिर कोई चीज इंस्टॉल करनी है तो यू कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ. तो टर्मिनल का सेक्शन भी है और अगर डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स होंगे तो उनको भी आप इधर लाइक ला सकते हो. ये तो सिंपल बेसिक टर्मिनल है. यू कैन रन पावर शेल फ्रॉम हियर और यू कैन रन गिट बैश अगर किसी ने यूज किया तो गिट बैश भी यहाँ से यूज हो सकता है. एंड यस हमारा बिल्ड हो गया है सक्सेसफुली. और अब थोड़ी सी और चीजें बताता हूँ. अगर आपके कभी एंड्रॉयड में मान लो सिमिलरली अभी इस कोर्स में तो मैं एमुलेटर नहीं चला के दिखा सकता बिकॉज सिस्टम हैंग कर जाएगा मेरा भी. तो फॉर नाउ अगर यूज करना है कुछ की जैसे अपने मोबाइल डिवाइस पर अभी कभी टेस्ट करते हैं अपन तो USB से कनेक्ट करो डेवलपर ऑप्शन ऑन रखो एंड देन फिर एनेबल USB डीबगिंग फ्रॉम इन योर फोन एंड आफ्टर दैट. अब जैसे एक एग्जांपल दू तो लाइक लेट्स से मैं मेरा फोन कनेक्ट कर रहा हूँ तो वी कैन विल सी यस सो यू कैन सी कि मेरा फोन आ गया. अब अगर मैं ये ऐप रन करूंगा ये प्रेस करूंगा तो ये ऐप मेरे फोन में इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली. अब लेट्स से अगर मेन वाइल अपन ने फोन USB कनेक्टेड है एंड देन अपन ने फोन में कोई ऐप रन किया अपना इंस्टॉल्ड एंड अगर उसके बाद कोई एरर आ जाता है तो वो एरर देखना कैसे. लेट सपोज नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है तो एक वार्निंग करके आएगी डिस्प्ले होती है और अगर वो चीज नहीं आती ऑटोमेटिकली ऐप क्रैश होकर पूरा बंद हो जाता है तो उस केस में अपने को कहां से मालूम पड़ेगा कि क्या एरर है. तो इन दैट केस विल यूज लॉक किट. रिमेंबर दिस लॉक किट यहाँ पे पूरा जो आपका चल रहा होगा वो सब आएगा. लाइक अभी जैसे इसमें एरर पे जाना एंड देन यू कैन सी कि एरर्स रहेंगे कुछ कुछ को कि हाँ लाइक अनेबल टू इनिशिएट ऐप कंपोनेंट वेक्टर एंड ये बेसिक एरर है. फॉर नाउ वी कैन इग्नोर दिस बट इफ इन केस मान लो अगर अपना ऐप चलता है एंड चलती चलती क्रैश हो गया तो कनेक्ट उसको USB से कनेक्ट रहने देना एंड उसके बाद में
चेक करना एरर पे जाके, डेफिनेटली यहाँ पे एरर रहेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत फास्ट रहते हैं, तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, आपको लाइन नंबर एंड बेसिकली सारी चीज बता देगा कि इधर इस चीज से एरर आया है। सो ये एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा, थोड़ा सा यूज करोगे तो कुछ बनाओगे तो ये चीज उधर कवर हो जाएगी, बट अगर कुछ आता है ऐसा तो यू कैन यूज लॉकेट एंड सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज फॉर स्टार्टिंग लेट मी ओके सो गो टू डिजाइन। अब कुछ स्टार्ट करते हैं, जैसे अपने को नो कोड एंड्रॉइड था अपना लाइक टॉपिक, तो उसमें क्या है कि बिना कुछ कोड किए अपने को कुछ लेआउट क्रिएट करना है, तो वो चीज कैसे करेंगे अपन या कैसे कर सकते हैं? जनरली हर चीज के लिए कोड लिखना थोड़ा लेंथी पड़ता है, या फिर आप नहीं लिखना चाहते तो उस केस के लिए अभी लेट्स से एक बटन सेलेक्ट करते हैं फॉर नाउ। अभी एक और चीज बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, व्हाट आर लेआउट्स इन एंड्रॉइड स्टूडियो। और अभी जैसे लेआउट्स क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट होता है कंस्ट्रेंट लेआउट, तो कंस्ट्रेंट लेआउट इज वेरी इजी। इधर से आप लोग कंस्ट्रेंट लेआउट यूज क्या हो गया, आप बेसिकली इसे सेट कर सकते हो। और ये क्या चीज है मैं जो सेट कर रहा हूँ, इसकी पोजिशन फिक्स कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट टॉप डाउन में कैसी पोजिशन रहेगी, किधर सेट रहेगा, ये चीज मैं इसकी सेट कर रहा हूँ ये चीज सेट करके। अगर ये चीज नहीं सेट करते हो तो एक इधर एरर शो करेगा कि कुछ मिसिंग कंस्ट्रेंट्स है बटन के, तो वो ऐड करो, तो वो बेसिकली मिसिंग कंस्ट्रेंट्स जो रहेंगे वो यही रहेंगे। तो अभी इसको अपन एक पोजीशन सेट कर देते हैं एंड एक बटन सेट किया अपन ने। और नेक्स्ट थिंग, उससे पहले अभी आपको मोबाइल वाली फील नहीं आ रही होगी इस स्क्रीन से, तो फर्स्ट गो टू में इसका कलर भी चेंज करना है कैसे करना है, या फिर कोई पर्टिकुलर थीम सेट करनी है आपको ऐप के लिए, तो वो चीज भी कैसे करनी है। बट फॉर नाउ अपन एक बटन को पोजीशन दे दी, अगर ये पोजीशन नहीं देते जैसे क्लियर ऑल कंस्ट्रेंट्स, ओके सारे कंस्ट्रेंट्स क्लियर हो गए। अभी अगर मैं इसको ऐसे डाल दूंगा बिना कुछ ऐसे सेट किया, तो लेट्स से मैं इसको बीच में तो डाल दूंगा, बट अगर इसके कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये वाले कंस्ट्रेंट्स भी नहीं रहते हैं तो लेट मी क्लियर अगेन, ओके सो अभी अगर इसको मैनुअली सेलेक्ट कर दिया तो अपने को लगेगा कि हाँ ये इधर सेट हो गया, बट ये सेट नहीं है, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। जैसे इसको फोन में इंस्टॉल करोगे ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन आपके एंड्रॉयड डिवाइस को नहीं मालूम कि इसकी पोजीशन क्या है। सो रिमेंबर, किसी भी चीज को लेआउट में डालना है तो उसकी पोजीशन फिक्स करो, और यू कैन डू दिस मैनुअली बाय, अभी बताता हूँ एक सेकंड इसकी पोजीशन सेट कर दिया, ओके सो अभी इसकी पोजीशन ऐसे कंस्ट्रेंट लेआउट में होता है, एक सेकंड मैं लेआउट बता रहा था। सो लेआउट होते तीन तरह के, बेसिकली बेसिक लेआउट है तीन तरह के है कि लाइक लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट एंड कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट में कोई भी चीज कैसे भी सेट कर सकते हो, और लीनियर लेआउट में आइदर यू कैन सेट थिंग्स की हॉरिजॉन्टली रहे कि हाँ पहले एक बॉक्स आए एंड देन फिर कुछ ऐसे, मतलब एक पूरा लीनियर ही रहे, लीनियर बेसिस पे लीनियर पैटर्न कि आइदर वो हॉरिजॉन्टली रहे या वर्टिकली रहे, तो वो होता है लीनियर लेआउट। एंड रिलेटिव लेआउट होगा कि पेरेंट एंड चाइल्ड वाला, अगर वेब डेव किसी ने किया है तो पेरेंट के हिसाब से सेट होता है कुछ, तो वो चीज होगी उससे रिलेटिव लेआउट में। ये चीज भी आगे कवर होगी नेक्स्ट सेशंस में, बट फॉर नाउ कंस्ट्रेंट लेआउट सबसे इजी कंस्ट्रेंट लेआउट है। और अभी इसमें अपन ने पोजीशन तो फिक्स कर दी, बट अब अपने को कुछ इसकी मार्जिन या उसकी साइज चेंज करनी है, सब कुछ ऐसा कुछ चेंज करना है, तो वो चीज चेंज कैसे करेंगे? फर्स्ट थिंग तो आपको उसका अगर कुछ चेंज करना है लाइक पोजीशन चेंज करनी है, तो यू कैन डू दिस फ्रॉम हियर। इनकी मतलब इसकी सारी पोजिशन बता रही है कि क्या क्या है, तो इधर से चेंज कर सकते हो। और फिर उसके बाद में स्क्रॉल डाउन,
ये इसने बताया कि लाइक स्टार्ट कहाँ से, स्टार्ट ऑफ पेरेंट एंड टॉप बॉटम, ये सब ये चीज बता रहा है कि ये चीज क्या है, ये किधर से है, बेसिकली आपने इसको सेट कैसे किया है। और अभी जैसे दो बटन लोग लगा के इफ यू वांट कि ये वाला बटन इसके अकॉर्डिंगली चले, तो एक दूसरे को रेफरेंस भी कर सकते हो दोनों बटन्स को, और इसकी सेट कर दो तो अगर इसकी पोजीशन चेंज होगी तो फिर इसकी भी पोजीशन चेंज होगी, तो ये चीज इसके रिलेटिव में चलेगा। फिर अगर ये एरो इधर डालते हो तो ये चीज इसके रिलेटिव में चलेगी। एंड लेट्स कम टू हियर अगेन, और फिर लेआउट विड्थ एंड लेआउट कंटेंट, लेआउट हाइट एंड लेआउट विड्थ, ये क्या है? रैप कंटेंट क्या होता है? रैप कंटेंट होता है आपका जो कंटेंट है बेसिकली, अभी मेरा कंटेंट क्या है, एक बटन, एक बॉक्स है उसमें नेम लिखा हुआ बटन, तो रैप कंटेंट क्या हो गया कि उसी चीज को रैप कर देगा। रैप करना मतलब उसी चीज में एक फिक्स रहेगा उसका कि हाँ लाइक ऐसा ही रहेगा। बट एक होता है मैच पेरेंट, मैच पेरेंट में क्या होगा, पेरेंट हो गया अपना ये पूरा वाइट स्क्रीन, लाइक ये जो इसकी हाइट विड्थ हो गई आपकी, वो होता है मैच पेरेंट। तो अगर मैं इसको भी मैच पेरेंट करता हूँ, ओके सो इसको भी मैच पेरेंट करता हूँ, तो यू कैन सी कि अभी मैंने विड्थ को मैच पेरेंट किया, तो इसकी विड्थ पूरी मैच कर रही है पेरेंट के, जो अपना पेरेंट था उसके मैच कर रहे। तो रैप कंटेंट एंड मैच पेरेंट आर द टू थिंग्स, तो आई गेस समझ में आ गया होगा सबको कि व्हाट इज द यूज ऑफ मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। ये जो चीज है ये रैप कंटेंट में है, एंड ये जो चीज है ये मैच पेरेंट, इसकी विड्थ जो है मैच पेरेंट में। और फिर उसके बाद में ट्रांसफॉर्म करना है, अगर कुछ चीज रोटेशन चेंज करनी है, लेट्स इस बटन की रोटेशन चेंज करनी है आपको, तो यू कैन डू दिस मैन्युअली फ्रॉम हियर, लाइक कैसे रहेगा यू कैन सी कि ये चेंज हो रहा है अकॉर्डिंगली। तो एक्स वाई जेड डाइमेंशंस अगर किसी चीज की चेंज करनी है तो इधर से चेंज कर सकते हो। ये चीज सारी की सारी कोड से भी हो सकती है, अभी जो चीज आप इधर एड कर रहे हो वो चीज साइमल्टेनियसली कोड में भी एम्बेड हो रही है। अभी जैसे ये देखो इस पे आया ना रेड लाइन, ये रेड लाइन क्यों है, क्योंकि इसके कंस्ट्रेंट मिसिंग है, क्योंकि अपन ने इसको नहीं दिया कि इसकी पोजीशन सेट नहीं करी। तो अब इस चीज को अगर इग्नोर भी करवाना है फॉर नाउ, तो ये अपने आप एंड्रॉइड स्टूडियो सजेस्ट करता है कि इस चीज को कैसे रिमूव कर सकते हो उस एरर को, तो जस्ट एड मिसिंग कंस्ट्रेंट्स, इसके कंस्ट्रेंट्स मिसिंग है, तो इस चीज को ठीक है एक बार एरर तो रिमूव हो गया, बट अगर इसको अगर रन करोगे ऐप के अंदर तो फिर से वही दिक्कत आएगी कि चीजें अपने आप से मैन्युअली सेट हो जाएगी, आपका जो डिफाइंड रहेगा उससे सेट नहीं होगी, क्योंकि आपने उनके कंस्टेंट सेट नहीं किए, उनकी पोजिशन फिक्स नहीं करी। तो दिस इज द थिंग, एंड ऑल्सो यस, सो वो जो बटन था उसकी अपन ने एक्स वाई जेड डायरेक्शन चेंज करी, तो वो सारी इधर एम्बेड होती है, लाइक रोटेशन एक्स एंड देन रोटेशन वाई। अब इसको अगर मैन्युअली चेंज करना है कि हाँ प्लस वन होना चाहिए माइनस वन होना चाहिए, तो वो इधर से कर सकते हो और उधर से भी हो सकता है, एंड मैन्युअली इधर भी सेट कर सकते हो, रोटेशन एक्स रोटेशन वाई स्केल एंड स्केल वाई ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें है। और फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ यू की ऐसे ये ऑल एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन खुला नहीं रहेगा, तो यू कैन ओपन दिस बाय क्लिकिंग एंड देन फ्रॉम हियर। अब अगर इसका कलर चेंज करना है, इसकी साइज चेंज करनी है, या फिर इसका टेक्स्ट की साइज चेंज करनी है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो गिव अस मेनी ऑप्शंस कि आप इसके साथ में क्या करना चाहते हो, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो लेट्स से इसकी साइज लाइक ओके पिक अ रिसोर्स, ओके सो लेट मी आ गया, ओके सो इफ यू वांट टू चेंज, ये सारा जो कॉन्सेप्ट एक बार थीम का है, तो एक बार मैं थीम समझाऊंगा इससे पहले, एंड देन फिर उसके बाद पे समझाऊंगा ये चीज। बट फॉर नाउ अगर इस चीज को आपको चेंज करना है, जैसे साइज चेंज करनी है या फिर फॉन्ट चेंज करना है, तो ये चीज इधर से भी चेंज हो सकती है। जैसे इसमें रहेगा टेक्स्ट साइज, और ऑन क्लिक अगर इस पे अगर क्लिक करने से कोई इवेंट परफॉर्म करवाना है कि ऑन क्लिक करने से आइदर पेज चेंज होना चाहिए या लेआउट चेंज होना चाहिए, तो वी कैन डिफाइन दैट इन ऑन क्लिक। एंड
बट प्रिफरेबली ऑन क्लिक एंड ऑल दिस मेथड की इस बटन का परफॉर्म कुछ इवेंट करवाना है तो वो चीज आई प्रिफर की वो चीज कोड से करो तो ज्यादा सही रहेगा, बट अभी इस सेशन पे कोड से नहीं करने वाले। तो इसकी पैडिंग सेट करनी है, रोटेशन अगेन सारे ऑप्शंस है, और टेक्स साइज देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड फॉन्ट साइज और टेक्स साइज, लेट मी चेक। यस, सो टेक्स्ट साइज ऑप्शन है, इधर भी रहना चाहिए फिर तो। ओके, गोइंग टू टी, यस, सो हियर इट इज। टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, अभी व्हाइट है एंड ये रहा टेक्स्ट साइज। तो एसपी एंड डीपी का भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये भी चीज लेटर ऑन कवर करेंगे, बट फॉर नाउ अगर टेक्स्ट साइज चेंज करनी है तो इसकी चेंज है, इसको डिलीट ही करते ना। यस, सो इसकी टेक्स्ट साइज 24 एसपी, यू कैन सी टेक्स्ट साइज चेंज हो गया। तो बाय मतलब इस पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जो चीज लाइक अपने को सेट करनी है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो चीज सारी इधर से चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि नीड्स के बेसिस पे सारी चीज चेंज हो जाएगी। तो अभी नाउ कम टू थीम फर्स्ट, कि लेट्स सी इफ यू वांट टू चेंज दिस कलर्स तो ये चीज चेंज कैसे होगी या ये चीज आ कहाँ से रही है। तो आई टोल्ड यू कि रिसोर्स फोल्डर में जाके वैल्यूज में जाके इधर थीम्स है, तो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो जब भी आप इंस्टॉल करते हो कोई भी ऐप बनाते हो तो उधर मटेरियल यूआई मटेरियल की मटेरियल थीम रहती है। तो अब मटेरियल थीम क्या है, इफ यू वांट टू सी देन फर्स्ट थिंग तो इधर देखो डिपेंडेंसीज में यू कैन सी इट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड और इंक्लूडेड इन योर डिपेंडेंसी। अपन ने इंक्लूड नहीं की अभी तक बट स्टिल ये इंक्लूडेड है मटेरियल की थीम एंड और चीजें अगर ओके, सो हियर इट इज material.io, आई एम सेंडिंग दिस लिंक इन योर टैब चैट। ओके, सो अभी ये सारी ये पूरी थीम जो है ये ऑटोमेटिकली आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में आती है। तो इसका यूज क्या है, बेसिकली मटेरियल डिजाइन का यूज क्या है, अगर लेट्स सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट अ नैव बार और कुछ बनाना चाहते हो, बेसिकली बूटस्ट्रैप मालूम है वेब डेवलपमेंट में होता है बूटस्ट्रैप, जिधर लाइक सारी चीजें सीएसएस की डिफाइंड रहती है या फिर कुछ नैव बार बनाना है बटन बनाना है वो चीज डिफाइंड रहता है, तो इट्स सिमिलर टू बूटस्ट्रैप। या फिर अगर कुछ डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना है अपने ऐप में तो यू कैन यूज मटेरियल डिजाइन। सो गो टू कंपोनेंट्स एंड सो जस्ट सेलेक्ट बटन्स, फॉर नाउ वी विल एक्सप्लोर बटन। तो इसमें बटन्स में क्या है, बटन्स में अपने को वैरायटी ऑफ डिजाइन रहती है, जैसे ये सिंपल बटन हो गया कंटेंट आउटलाइन टेक्स्ट, तो हाउ यू कैन यूज दिस आई विल टेल यू लेटर बट लेट्स एक्सप्लोर दिस मोर। अभी जैसे किसी बटन में आपको ये मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन हो गए, टेक्स्ट बटन आउटलाइन बटन कंटेंट बटन एंड देन टॉगल बटन, यू कैन टॉगल दीज थिंग्स, और फिर उसके बाद में कोई आइकन सेट करना है बेसिकली या किसी लेबल के साथ में चाहिए, जैसे ये वाली चीज है तो ये वाली चीज इम्प्लीमेंट करनी है तो ये वाली चीज कैसे होगी। तो फॉर ऑल दिस थिंग गो टू इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन हियर, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, अर्लियर वी सॉ डिजाइन बट नाउ कम टू इम्प्लीमेंटेशन। अभी अगर जैसे चाहिए कि टेक्स्ट बटन है, लेट्स डू आइकन वाला ना, हाँ ठीक है,
तो आइकन वाले सेलेक्ट करते हैं, अगर मान लो अपने को आइकन ऐड करना है इस बटन में, तो किसी भी चीज का रेफरेंस चाहिए या किसी भी चीज को अपने को लेआउट क्रिएट करना है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कम टू मटेरियल डिजाइन एंड इधर से बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे, कोई चीज मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलमोस्ट बेसिक सारी चीजें अवेलेबल है इधर, जैसे कार्ड्स हो गए, कार्ड्स वाला सेक्शन हो गया, ओके या सो सिंपली यू कैन क्रिएट अ कार्ड, लाइक अगर आप बेसिकली कोई गैलरी का आइटम बनाते हैं तो इफ यू वांट टू डिस्प्ले अ फोटो हियर एंड देन सम मेमोरी और सम टैग्स हियर, देन यू कैन क्रिएट अ कार्ड। तो अभी ये चीज यूज करनी है तो जस्ट गो टू इम्प्लीमेंटेशन एंड देन जस्ट सेलेक्ट ऑल द थिंग्स, ओके, सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ मटेरियल कार्ड। सो जस्ट कॉपी पेस्ट दिस थिंग एंड इससे कार्ड बना सकते हो, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, सारी अपने आप से एक्सप्लोर करोगे तो आइडिया पड़ेगा, बट सिंपली अभी के लिए एक आइकन ऐड करते हैं बटन के अंदर अपने वाले में। सो कम टू बटन एंड yeah, so here you can see we need to add these two things in our button. So we'll just copy this thing and paste it in our code here, like okay. सो नाउ विल गेट एन एरर की ड्रॉएबल के अंदर ये आइकन जो है डिफाइन नहीं है। टू क्रिएट एनी आइकन इन एंड्रॉइड स्टूडियो वी नीड टू गो टू ड्रॉएबल, राइट क्लिक करो एंड गो टू न्यू, गो टू वेक्टर एसेट एंड फ्रॉम योर यू कैन सेलेक्ट एनी आइकन इफ यू वॉन्ट, कि कोई आइकन ऐड करना है तो वो चीज कर सकते हो। तो क्लिक ऑन क्लिप आर्ट, इस चीज पे क्लिक करो एंड हियर यू कैन सी बहुत सारे आइकन्स अवेलेबल है, बहुत सारे, लाइक कोई भी आइकन यूज करना है वो आइकन यूज कर सकते हो। जस्ट सिंपली फॉर नाउ विल यूज एसी यूनिट आइकन और स्नो आइकन, ओके, सो जस्ट यू कैन चेंज द साइज फ्रॉम हियर एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओपेसिटी अगर चेंज करनी है तो वो भी चेंज कर सकते हो और उसके बाद वे नेक्स्ट एंड देन फिनिश and now you can see ye cheez idhar add ho gayi, ic baseline ac unit 24 is the size of the icon, so I'll replace this thing ic baseline ac unit, okay, so ye icon ab hamare button mein include ho gaya abhi, so let's see, yeah, so you can see here an icon, so this is how you will use material UI. No need to implement or include in your dependency. ये पहले से already installed आएगी और ये चीज इधर से अगर कोई चीज use करनी है, कोई navbar add करना है या फिर कोई चीज add करनी है, like let's say card add करना है, कोई भी चीज करनी है, तो go to material design, उसके site पर जाओ and then उधर से use कर लो, जो भी component use करना है उधर से use कर सकते हो and then just copy paste this thing here in your code and you can use this thing or you can also manually edit those you can manually edit those to as per your needs and now come to theme, like if you want to change these colors, so material design ka basically or by default hi aata hai themes mein, like ye night mein aisa rahega and without night aisa rahega, like abhi let's switch to night, abhi kisi user ne apne jaise almost har phone mein aata hai dark mode ka option, तो अपना ऐप कैसा दिखेगा डार्क मोड के अंदर वो चीज अगर चेक करनी है तो हियर इज एन ऑप्शन नाइट एंड नॉट नाइट, सो गो टू नाइट। अगर मेरा ऐप रहेगा, अभी बहुत गंदा दिख रहा है बट ठीक है, अभी नाइट में ऐसा दिखने वाला है हमारा ऐप अगर यूजर अपना नाइट मोड ऑन करता है फोन का तो, और नॉट नाइट दिस इज। सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज की
अब इसका नाइट का थीम चेंज करना है या नॉट नाइट का थीम चेंज करना है, कि अगर नाइट में मेरा कलर ऐसा आना चाहिए, नाइट मोड ऑन करता है यूजर तो मेरा कलर ऐसा आना चाहिए या कलर चेंज करना है, तो वो चीज इधर से हो जाएगी. सो गो टू दिस. प्राइमरी ब्रांड कलर क्या है, बेसिकली प्राइमरी जो चीजें हैं उनका कलर, ये हो गया इनका, एंड देन सेकेंडरी एंड देन स्टेटस. सो अब यू कैन सी हियर, इफ यू वांट टू चेंज द कलर देन ऑल्सो यू कैन यूज hex code, or if not then go to just click on this icon and you can change color. Like for now I'm changing this to white, so okay, and you can see white ho gaya color, just for showing you iska color aisa kiya hai. And you can set manually, aapko color change kar sakte ho. And also if you want to create a whole theme, then go to material design, create a theme, and from there वहाँ पे options आएंगे, like primary का color क्या रखना है, और फिर उसके बाद में secondary का क्या रहेगा, and then फिर उसके बाद में उन सारे color आप customize करके वो चीज add as it is इधर paste कर सकते हो. And to use, अभी ये चीज भी error देती है कि जैसे अपन ये चीज अभी अगर कलर में या थीम्स में डिफाइन नहीं करते, अपन जाके अभी जैसे सीधा बटन में जाके बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया, तो ये चीज एरर देखिए कि हाँ लाइक एरर जो है आपने हार्ड कोड किया हुआ है. तो इंस्टेड प्रिफर कि अगर कोई भी एरर आप लाइक कोई भी कलर डिफाइन कर रहे हो अपने ऐप के लिए, तो उसको मेक श्योर वो इधर डिफाइंड रहे. एंड ऑल्सो कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो चीज इधर रहे. अभी जैसे मेरा ऐप का नेम है तो आई कैन चेंज दिस फ्रॉम हियर. So yeah, so or to access anything from color, this is the example. Go to @color and then purple 700 is what? Purple 700 is this hex code. So just define name and then name of the color and then hex code. Name कुछ भी यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी. और फिर this is how you can use material design. और डू ट्राई दिस थिंग, ये चीज मैनुअली से खुद से करोगे ना ट्राई की, लेट सपोज कोई वहां से कंपोनेंट उठाया एंड देन लाइक बॉटम नेविगेशन ट्राई करते हैं, लाइक कि अभी मेरे को नेविगेशन फ्रॉम बॉटम चाहिए तो वो चीज देखना है, ऐसा कुछ चाहिए तो ये चीज करना है, तो जस्ट गो टू इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्राई टू इंक्लूड इट इन योर ऐप, तो उससे चीजें समझ में आएगी ज्यादा अच्छे से. तो जस्ट एक्सप्लोर दिस कंपोनेंट्स एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट फ्यू ऑफ देम इन योर एप्लीकेशन, तो चीजें क्लियर हो जाएगी. सो दिस इज द मटेरियल डिजाइन ऑफ एंड्रॉइड. एंड रिमेंबर बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड के अंदर इम्प्लीमेंटेड रहता है, सो नो नीड टू इम्प्लीमेंट. एंड नाउ विल सी हाउ टू क्रिएट एनिमेशन इन एंड्रॉइड. इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट एन एनिमेशन इन योर एंड्रॉइड, सो यू कैन यूज लॉटी एनिमेशन और यू कैन क्रिएट एन एनिमेशन बाय योर ओन, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड लॉटी फाइल्स इन एंड्रॉइड. सो अगर वो चीज यूज करनी है तो जस्ट टाइप लॉटी फाइल्स एंड्रॉइड और सिंपली लॉटी फाइल्स. द फर्स्ट लिंक दैट यू गेट इज लॉटी फाइल्स का. तो व्हाट लॉटी फाइल्स इज बेसिकली, यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन अवेलेबल है. तो अगर आपको कोई भी चीज, लेट्स गो टू फ्री एनिमेशन एंड कोई भी चीज यूज करनी है तो ये चीज कैसे यूज करोगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो अच्छा भी लगेगा देखने में. मान लो अपने को ये वाली नेविगेशन चाहिए या ये वाली एनिमेशन चाहिए, तो या फिर कोई सी भी इनमें से कोई सी भी एनिमेशन चाहिए, तो हाउ टू इंक्लूड, जस्ट लेट्स से रॉकेट वाला ठीक लग रहा है, तो जस्ट हिट ऑन डाउनलोड बटन एंड ओके. व्हाट्स हैपनिंग, yeah, so now you can see if you want to include it in your, like there are two options, either har bar aap isko ek url se apne usme dal sakte ho android mein and then fir usme net ki internet ki required hogi, but we don't want ki internet ki requirement ho, to we'll just simply download a json file. So download lottie json. So yeah, it is downloaded. And how to use,
just click on Android button, like Android icon here. This is the icon. You can use it for many things, but just click on Android, and after that, vlog will open. So यहाँ पे पूरा step by step guide है कि आप कैसे use करते हो Lottie animation को. तो if you want to use a Lottie animation, first thing you will need to you need to download, you need to implement a dependency. So which dependency? This is the dependency. So you need to dependency provided by Airbnb. So we'll download this, we'll include this dependency in your app, in our app. So how to include? Just go to Gradle scripts and then module build.gradle, and in dependencies just paste this thing. Or in Lottie versions, make sure ki latest version include karna Lottie version mein. So go to latest available version. So the latest available version is 4.2.2. So just type 4.2.2 and make sure उसके बाद में sync ना हो करना. So after syncing, it will take time again. वापस से पूरा Gradle वापस चलेगा पूरा Gradle, and then उसको download करेगा इस dependency को. Yeah, so Gradle build is finished. So now how to implement or how to use? Just for now, I'm deleting all these things. And how to implement any animation? It's very simple. It's very, very, very simple. So go to again that vlog. Okay, I'll send you the link of the Lottie files. You can use this link to create. It is very simple. Just try to include an animation. बहुत अच्छा लगेगा, कुछ create होगा तो उसके बाद पे. तो do this thing, or to include it in your app, just copy this thing. We'll use this RORES. Make sure ये RORES वाली फील कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने एक JSON file download की है and अपन resource folder में इसको locate करेंगे and then उसके बाद में अपन उसको access करेंगे, ताकि अपन उसको विदाउट गोइंग ऑनलाइन और विदाउट यूजिंग इंटरनेट वी कैन रन दिस ऐप. सो जस्ट कॉपी दिस थिंग, गो टू कोड एंड इन योर कोड ओके हैंग कर रहा सिस्टम. Yes, so just paste this here. Ab now you can see error show kar raha hai ki road slash animation, cause we don't have raw folder. So to create any folder and resources, go to press right click and after that go to new and then Android resource directory, select this option and from here go to resource type, we'll select raw and just press OK. So इधर से वो फाइल क्रिएट हो गई. अब नाउ क्रिएट अ न्यू, वी नीड टू पेस्ट आवर जेसन फाइल हियर. सो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, सिंपल फाइल, नेमिंग इट एनिमेशन डॉट जेसन. और अब इसमें अपने को पेस्ट करना है सारा कॉन्टेंट. सो जस्ट, और यू कैन जस्ट पेस्ट दैट होल file to here. So now I pasted everything here and it will take a little time to analyze whether there is an error or not. So okay, it says there is no error, so we can continue. Yeah, it will automatically get fixed because it is inspecting whether there is an error or not. So come to, yeah, so you can see error.
so it is checking. So there is no error, and yeah, you can see it get automatically. इसका अगर एनिमेशन नेम नहीं देते, अगर कुछ मैन्युअली नेम देते तो वी नीड टू चेंज एनिमेशन फ्रॉम आवर गिवन नेम. एंड अगेन मिसिंग कंस्ट्रेंट्स, सो वील यूज मिसिंग कंस्ट्रेंट एंड गो टू डिजाइन. अब ये चीज इधर शो नहीं होगी. ये चीज शो कैसी होगी, जस्ट प्रेस दिस रन ऐप एंड इससे आपके फोन में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट प्रेस ओपन दैट ऐप एंड यू विल सी एन एनिमेशन. So I can't able to show you. Wait, let me install this first. So अभी वापस से पूरा हर बार जब भी रन करोगे या फिर जब भी ग्रेडल बिल्ड करोगे तो हर बार से पूरा ग्रेडल बिल्ड होगा, चेक करेगा कोई एरर है या नहीं है. एंड उसके बाद में अगर कोई एरर आता है तो ग्रेडल फेल हो जाएगा एंड यू नीड टू फिक्स दैट एरर. एंड आफ्टर दैट you can able to install that application or in your in your mobile. So right now Gradle is running. It might take few minutes. So meanwhile, if you have any doubt, you can tell me. भैया चैट बॉक्स में कुछ क्वेरीज आई हुई हैं, आप देख लीजिए एक बार. Okay. In print line, not change button. Print ln line change, yes. Well, it's a constant variable, right? And using semicolon is necessary or not? Using semicolon is not necessary. You can use or not, but preferably, yeah, you don't need to use semicolon. Okay, I am not sure. I need to check. I don't think semicolon necessary. Nahi. It's similar to Python. Okay. Everyone, please note this if you want to convey anything. Okay. Binding data and corresponding method is a single unit. I don't need the active Guru Charan. Difference between empty activity and empty compose activity. So, empty compose activity is a different concept. So, in future, जैसे धीरे 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 आगे बढ़ोगे ये चीज समझ में आ जाएगी, ये चीज कवर होगी आगे. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रेंट लेआउट, इज कंस्ट्रेंट लेआउट रेस्पॉन्सिव? ऐसा रेस्पॉन्सिव वैसे है कि बेसिकली यू नीड टू सेट थिंग्स फॉर लैंडस्केप मोड एंड फॉर हॉरिजॉन्टल मोड. एंड कंस्ट्रेंट लेआउट इज यू कैन मेक इट रेस्पॉन्सिव बाय एडिंग कंस्ट्रेंट्स और यू कैन ऑल्सो एड you can also change constraints from code. Let's say if you detect the height and width of a code, तो उसके हिसाब से आप constraints change कर सकते हो. तो yes, you can use constraint layout as a responsive design for responsive design. And yes, so Android studies के लिए कौन सा JDK version चाहिए? JDK version जो latest रहता है वो install कर लो. और else जो मैंने last time पे Oracle का documentation दिया था उधर ही पूरा guide रहेगा कि कौन सा JDK चाहिए. तो
Yes, and JDK, don't use Java 9. Earlier, I also use Java 9, but I don't know why it is not supporting Java 9. Android is not supporting Java 9. So make sure ki 9 se niche ka version rahe, and also make sure ki jo aapke laptop mein do Java versions nahi, usko check karne ke liye go to settings and then apps mein jaake search kar lo Java. तो उधर आपको दिख जाएगा कितने वर्जन है जावा के. तो इफ यू हैव टू वर्जन एंड जस्ट इंस्टॉल वन वर्जन और प्रेफरेबली यूज जावा 8. डज द मैच पेरेंट बिलोंग टू द रूट पेरेंट और द नियरेस्ट पेरेंट? ना नियरेस्ट पेरेंट. सो इट्स सिमिलर टू वेब डेव कॉन्सेप्ट्स लाइक कि जो अगर आपको मैच पेरेंट इज यस फॉर नाउ इट्स नियरेस्ट पेरेंट. अगर कोई चीज एक बड़ा बॉक्स है उसके अंदर छोटा बॉक्स है तो उसको अगर आप मैच पेरेंट देते हो तो वो बड़े बॉक्स के हिसाब से एडजस्ट होगा. एंड यू कैन यूज मैच पेरेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ यूज डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स. यूजिंग लेटेस्ट जावा इज ऑलवेज रेकमेंडेड. ओके या so I guess have we got an error. Okay, I didn't give permission, so I need to do it again. Every time you will install an application from Android Studio to your phone, make sure ki either settings mein jaake jo by default koi unknown resources se apps install hote hai wo block rehta hai har ek ke phone mein. So either you can unselect this during your development section, or just you will get a notification ki ye Android Studio aapke app mein karna cha raha hai, matlab ek app install karna cha raha hai. So do you want to agree? So press yes, and let me show you. It already installed. So let me share my mobile screen. Yes, I hope it is visible. Yeah, so you can see our app name is my app, so you can see that animation here. It is running in my phone, so that's how it cool is. And also you can use these animation in your splash screen, like agar kuch loading ho raha hai ya fir aapka app initially load ho raha hai to us case mein bhi agar aap kuch add karna chahte ho to you can use this animations, lottie animations during in your splash screen or layout or anywhere you want to add animation, you can use this. So okay, so that's it for today. If you have any query, you can ask me. And also make sure do explore material design, material design and Lottie files. Try to build an application from your side. Bahut acha lagta hai jab kuch create hota hai apne side se, to kafi achhi feeling aati hai, to usko enjoy karo. If you want to set the alignment of this animation, how we can do it? Yes, you can do that from here. Okay, I'm sharing screen again. Okay, so Kushal, you can there you can see a small circle. So this is our animation. So if you want to set the position of this animation, so just again constraint layout mein drag and drop, like drag and drop ne matlab by cursor you can select the animation, like select the fix the position. So that's how you can
can we get the class recording? Okay. Yeah, so any other query? और ऑल्सो जाके किसी भी लैंग्वेज को सीखना है बेसिकली अगर कोटलिन में भी थोड़ा सा सीखना है उसमें कुछ जानना है तो जस्ट गो टू हैकर रैंक और समथिंग लाइक कोई भी छोटी छोटी जो कोड्स बनाते हैं अपन जैसे हैकर रैंक में कोई भी इफ एल्स स्टेटमेंट का रहता है एग्जांपल या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में बेसिक बेसिक जो एग्जाम्पल्स रहते हैं यू कैन यूज दोज एग्जाम्पल एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज एग्जाम्पल्स इन कोटलिन जैसे कोई भी बेसिक कोड अब तक C++ जावा में क्या है तो उसको कोटलिन में करो अपनी साइड से एंड उससे क्या थोड़ा आइडिया पड़ेगा एंड देन हैबिचुअल हो जाओगे उस लैंग्वेज के तो दिस इज द बेसिक थिंग एंड या ट्राई टू क्रिएट 10 or more codes इन कोटलिन और फिर उसके बाद में मटेरियल डिजाइन में जाओ यू कैन यूज कार्ड्स एंड एनी अदर कॉम्पोनेंट्स उसको भी अपने ऐप में यूज करो एंड रन दैट एप्लीकेशन and also try to change the attributes of that component by yourself and also use lotte files ko animations dalo and then usko create karo so that's it from my side thank you Shubham bhaiya so agar kisi ko agar kuch doubt hai android studies jam se lekar to ab doubt puch sakte ho program se related क्योंकि भैया ने बहुत टाइम दिया है डाउट इस इवेंट को लेकर आज के सेशन को लेकर भैया थैंक यू सो मच उम्मीद है सभी लोग को समझ में आया होगा और तुम लोग कुछ बनाओगे अभी मैं कुछ बताने वाला हूँ कुछ रिवॉर्ड्स हैं जो लोग ऐप बनाने वाले हैं तो अभी तुम लोग रुके रहना थैंक यू भैया थैंक यू सो अगर किसी को डाउट है ना एंड्रॉयड स्टडी जैम से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हो चैट बॉक्स में डाल सकते हो मैं देख रहा हूँ तो मैं रिप्लाई कर दूंगा तुरंत इन नेक्स्ट 5 मिनट्स अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो वेट करना मैं कुछ बताने वाला हूँ अभी तुम लोगों को पर्स के बारे में कि अभी क्या क्या मिलने वाला है जो लोग ऐप सबमिट करने वाले हैं सक्सेसफुल तो कोई डाउट आ नहीं रहा है तो एक था रिकॉर्डिंग्स को लेकर तो रिकॉर्डिंग्स यार मिल जाएंगी YouTube चैनल है हमारा वहाँ पे मिल जाएगी अभी अभी WhatsApp ग्रुप पे लिंक भेज दे रहा हूँ इसको ज्वाइन कर लो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी शेयर कर देंगे तो यहाँ से YouTube चैनल पे जा सकोगे तुम ठीक है तो मैं बताता हूँ कि हम लोगों ने एक्चुअली एक PDF सर्कुलेट किया था एंड्रॉयड ऐप गाइडलाइंस का लास्ट सेशन में बताया भी था उसके बारे में तो उम्मीद है सब लोगों ने उसको पढ़ा होगा देखा होगा ठीक है तो उसमें अगर तुम्हारा कोई ऐप अगर ऐसा बनाते हो ठीक है तो जो वो सारी गाइडलाइन फॉलो कर रहा है ठीक है और तुम हम लोग अभी 20 तारीख को रिलीज करेंगे एक फॉर्म ऐप सबमिशन को लेकर तो अगर तुम लोग वो ऐप हम लोग को देते हो ठीक है तो हम लोग देखेंगे कि यार अगर वो बेस्ट ऐप रहा BIT मिश्रा के टॉप 5 में अगर आप आया तो हम लोग तुमको एक टी शर्ट देंगे एक बैग देंगे एक सीपर रहेगा एक नोटबुक रहेगी और भी बहुत सारी गुडीज हैं जो हम लोग देंगे पेन वगैरह हो गया तो सारी चीज़ें देने वाले हैं तो मेक श्योर करना कि तुम लोग अपना अच्छे से टाइम डिवोट करो इस प्रोग्राम पे और अच्छे से एप्लीकेशन बनाओ और हम लोग को सेंड करो और ये चीज़ ध्यान रखना जब हम लोग सेंड करेंगे लास्ट में गूगल फॉर्म सर्कुलेट करेंगे तो उसमें तुम्हारा GitHub प्रोफाइल लिंक या फिर गूगल ड्राइव लिंक मांगेंगे जहाँ पे तुम अपना सारा कोड बेस अपना डालोगे वहाँ पे प्लस एक हम लोग डेमो मांगेंगे तुम्हारे वीडियो का ठीक है तो तुम लोग वो भी डाल सकते हो वहाँ पे ठीक है और हाँ जैसे कि जो टॉप 5 एप्लीकेशंस रहेंगे उनमें से जो 4 एप्लीकेशंस होंगे उनको तो हम लोग शाउट आउट देंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने इंस्टाग्राम लिंक्डइन प्लेटफॉर्म्स पे बट एक एप्लीकेशन हम लोग हैं जो गूगल को नॉमिनेट करने वाले हैं वो अगर गूगल चाहेगा वो इट्स अप टू देम कि यार अगर वो अगर शाउट आउट देना चाहें तो दे सकते हैं बट हाँ ये ऐसा हम लोग को बोला गया है ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि वो लोग जरूर देंगे शाउट आउट ठीक है और क्या बताना है जिन कॉलेज में DSC है ना अगर आपके कॉलेज में DSC है तो आप अपने कॉलेज में भी ये सबमिट कर सकते हैं अगर आप BIT मिश्रा के हैं तो एप्लीकेशन सबमिशन तो हम लोग गूगल को अपने चैप्टर से ही करते हैं लाइक BIT मिश्रा चैप्टर से एप्लीकेशन जाएंगे वो अगर आप हमारे चैप्टर के मतलब BIT मिश्रा के स्टूडेंट्स हैं तभी आप उसको सबमिट कर पाएंगे ऐप्स
बट अगर आप ऐसे हमको शोकेस करना चाहें तो हमको भेज सकते हैं, हम लोग आपको शाउट आउट दे देंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, बट वी विल नॉट नॉमिनेट दैट एप्लीकेशन टू गूगल। हाँ सबमिशन, एक मिनट, सबमिशन लास्ट डेट इज 5 जनवरी, 5th of January लास्ट डेट रहेगी, और हम लोग 20 को फॉर्म रिलीज कर देंगे। एंड कुछ चीज़ें और बताता हूँ कि हम लोगों ने ना पूरे इंडिया में अराउंड लाइक 5 to 10 डीएससी से कोलैबोरेट किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कुछ रिसोर्सेज शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो तुम लोग वहाँ अगर उनके सेशंस जो हो रहे हैं उनको भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। हम लोग मतलब प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट चाहते हैं कि अगर आपको सीखना है और हम वो टॉपिक नहीं कवर कर पाए हैं और आप चाहते हैं कि आप वहाँ से सीख पाएं, तो हम लोग रिसोर्सेज आपको दे देंगे, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। कोई और डाउट है क्या? नो सर, ना नो डाउट्स। ओके थैंक यू एवरीवन, ओवर टू अंशिका। या सो थैंक यू एवरीवन, आप लोग जब भी अपलोड करेंगे अपना कोई भी वर्क किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने जो स्क्रीन शेयर की है #AndroidStudyJams एंड #DACBITMishra, आप ये दो हैशटैग्स यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली